हाशमी और हम सुर्खी में हैं। ये सुर्खी में यहाँ पे फल के और सब्जी के ठेले वाले हैं, आज हम इनसे बात करेंगे और सुर्खी के लोगों का भी राय लेंगे कि क्या है। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश कुमार पटेल। पटेल साहब, सब्जी क्या भाव चल रहा है? टमाटर? टमाटर 30 रुपए किलो। और आलू? आलू 15 रुपए किलो। अच्छा, प्याज का बताओ जरा। प्याज 40। अभी कुछ सस्ती हो गई? हाँ जी। चुनाव भी आ रहा है जी भैया, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में जो कुछ होगा होगा, हम लोग को तो काम करना पड़ेगा, ठेला तो लगाने पड़ेंगे। हाँ। ये तो कुछ होगा नहीं कि हमारा ठेला अपन लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ। सरकार किसी की बने, हमारा तो अपना कार्य करना पड़ेगा। फिर भी तो माहौल किसका है? माहौल का नहीं है पता भैया, लेकिन जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं, आइए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनोज दुबे भाई। क्या लग रहा है इस बार? गोविंद राजपूत। एक तरफा काम? जी सर। क्यों? क्योंकि विकास किया है यहाँ पे, काम किए हैं, हम लोग तो उन्हीं को जानते हैं। अच्छा जी, गोविंद राजपूत जी। जी जी जी। क्या नाम है आपका? पटेल साहब। नीलेश पटेल। क्या लग रहा है इस बार? सही है कि क्या? तो ऊपर ही आ रहा होगा समझ में, बता दो ना। तो रहा होगा आपके लान। अच्छा, सब राजपूत जी वाले? क्या राजपूत जी वाले? बात चुनाव हमें तो भैया राजपूत जी की है लग रही है। हाँ, जीत रहा है। हाँ। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साई वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। अब वही है मोदी वालों चला है और का। अच्छा, और का मोदी जीत रहा है? मोदी जी। गोविंद राजपूत? अब मोदी या गोविंद राजपूत आए तो एक ही। चलो और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे सुर्खी में है हम। फूल फूल है। कितने से खाया उसी को बजाएंगे? सुर्खी में रहे, सुर्खी में रहे जगह नहीं हती, हर जगह कुटी गई, हर जगह कुटी में लगाई। 2.5 लाख पानी की व्यवस्था हो गई, हर आदमी को 2.5 लाख दी जाए। हाँ, 2.5 लाख होना ही ना उनको देंगे फूल वालों को? पक्का? पक्का। क्या नाम है? मेरा नाम देवी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? करण पटेल। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? फूला ही दिखा रहा है। एक तरफा काम चल रहा है? एक तरफा। और इनसे पूछो, ये रुके हैं यहाँ पे सब्जी लेने आए क्या? नहीं, तो घूमने आए थे। क्या लग रहा? बढ़िया है सब। चुनाव में? चुनाव में अच्छा है माहौल, बढ़िया चल रहा। हाँ, कछु तो बताओ। क्या बताएं, किसका माहौल है? बीजेपी का है। बीजेपी का? हाँ, बीजेपी का माहौल है। सब देखो फूल ने क्या करवाया है यहाँ पे। हाँ। सुर्खी में तरक्की। हाँ। और का। क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई साहब, से भाई साहब। क्या लग रहा है इस बार? फूल पूरे सुर्खी विधानसभा में? फूल ही फूल, फूल ही फूल। हन के वर पूछ लेना, वर पूछ लेना, हम तो सबसे पूछ, सबसे पूछ लेना। फूल ही आ रहा हूँ यार। हाँ। हमारे एक टोला में जाकर देखो, कम से कम 700 वोट है टोटल गिरेगी। और भी लोग हैं देखा, सब्जी बेच रहे हैं। भटा कब चल रहा है? भटा 30 रुपया किलो। थोड़ा महंगा होगा वो। और का रुपया 40 की बता रहा है? हाँ, तो उनकी घर की, आपने खरीद किया है? अच्छा, तो और क्या लग रहा है इस बार चुनाव? फूल जो को खा रहा है वो को देने हैं। हाँ। सब पछू दे रहा है, दुनिया भी दे, पैसा भी दे रहा हो। हाँ। हो पैसा दे, कौन ना दे, कब दे कौन उन्हें? हाँ। कौन है कि बाप मता ही तक नहीं दे। विकास किया है कसूर की, मैं यहाँ खड़े हो जगह नहीं थी। मैं नॉन से तक मिल रहा हूँ, फ्री दे रहा है अनाज। कांग्रेस ने तो एक क्या कह रही है भाई साहब? कांग्रेस के राज में यहाँ खड़े होने जगह नहीं थी। क्या कह रहे हैं? एक तरफा ही आ रहा फूल। हाँ, एक ही तरफ आ रहा, कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ हाँ, चलिए और लोगों से बात करते हैं, ठेले वालों से, उनसे बात करेंगे। ये छोटा सा सब्जी का बाजार है सुर्खी में। ये भाई साहब बहुत देर से देख के हंस रहे थे, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा भाई साहब मुन्ना लाल है। मुन्ना लाल जी, क्या करते हैं आप? सर कब से कर रहे हैं मजदूरी? का मजदूरी क्या लग रहा है? 40 साल हो गई हमारे लिए करते। आलू का भाव चल रहा? आलू कितो थोक में? भैंस अरे 1 किलो लेने, आधा किलो 20 रुपया, 15 रुपया। अच्छा, प्याज? प्याज 40 रुपया, 50 रुपया। अच्छा, सुर्खी में क्या चल रहा हो?
तुर्की में अच्छा चल रहा है और का वो जीत रहा हो। अब गोविंद सिंह जीतेंगे कितने से जीत रहे? अब जा नहीं जा सकते कितने से, चाहे 100 वोट से जीते चाहे 200 वोट से जीते, मतलब जीते अनुमान जो है कि गोविंद सिंह जीतेगा। अच्छा क्यों जीतेगा? कि उसने कुछ कर दिया है सुर्खी में, बीजेपी वो मैं कांग्रेस में थे तो गोविंद सिंह के साथ में कुछ नहीं कर पाओ गोविंद सिंह ने, जो बीजेपी में आया सब कुछ कर दिया। अच्छा चलिए सुर्खी सुर्खी में ये नहीं कह रहा कि हमारी भलाई कुटी नहीं आई सुर्खी में, मगर गोविंद सिंह के साथ में भलाई। अच्छा हाँ हमारी कुटी नहीं आई। नाम है लाल शर्ट वाले, यहाँ पे तो आओ, बहुत देर से यार देख रहे हो। मुश्किल रहा है जब बहुत बदमाश आदमी है। राजा पटेल। राजा पटेल करेगा क्या करते हो पटेल? हम सब्जी बेचते हैं। अच्छा क्या लग रहा हो? अब जो कहीं विकास हो जो कोई विकास करो है अब तो वही जीत है ना जी। हाँ जो काम कर रहा है वो तो जीत है ही। हाँ ऐसे भी जीत है। चली बात ये सुर्खी के सब्जी बाजार में थे, छोटा सा बाजार है यहाँ पर, हम थे लोगों से बात की, सबके अपनी अपनी राय। बहुत बहुत शुक्रिया। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।